इक्वेशन देखिए तो बेसिकली ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स कॉस वाई बाय एक्स प्लस वाई साइन वाई बाय एक्स इंटू वाई इजकल्स टू वाई साइन वाई बाय एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाय एक्स इंटू एक्स इजकल्स टू डी वाई बाय डी एक्स। तो ये बेसिकली एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है, दिख रहा है। तो अपन इसमें क्या करें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें अपन क्या एज्यूम करते हैं, उसमें एज्यूम करते हैं वाई इजकल्स टू वी एक्स, ठीक है, वाई इजकल्स टू वी एक्स, या इसी को अपन बोलो वाई बाय एक्स की वैल्यू अपन क्या रखते हैं वी। यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो अब अपन हर जगह वाई इजकल्स टू वी एक्स रख दे, ये जो कन्वर्ट हो जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स कॉस, और वाई बाई एक्स की जगह अपन क्या लिखेंगे एक्स कॉस वी प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे वाई की जगह पर अपन एक्स वी रख दे, तो यहाँ पे वी एक्स और ये क्या आ जाएगा साइन ऑफ वाई बाई एक्स आ गया ना, तो यहाँ पे अपन वी रखेंगे, ठीक है, इंटू वाई था तो यहाँ पे वाई था तो यहाँ पे अपन वी एक्स रख देंगे, वाई की जगह पे वी एक्स रख दे इजकल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू वी एक्स इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ वी माइनस एक्स कॉस ऑफ वी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स, और अपन डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिख दे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब अपन इसको सिंप्लीफाई करें, लेट से अपने पास क्या कुछ टर्म्स कैंसिल वैंसिल हो रही है, जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उसको सबसे पहले अपन कैंसिल करें, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक्स है, यहाँ पे ये एक्स कैंसिल हो जाएगा किससे, इस एक्स से, ठीक है। अब अपन और देखें तो अपन यहाँ से एक एक्स ये कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ से ये एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ से ये एक्स कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स कॉमन हो जाएगा, ये एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर अपन देखें तो क्या बचा है, यहाँ पे बचा है कॉस ऑफ वी प्लस वी साइन वी, कॉस ऑफ वी प्लस वी साइन वी इंटू यहाँ पे क्या आ गया ब्रैकेट के बाहर वी इजकल्स टू, यहाँ पर अपन देखें तो इजकल्स टू यहाँ पर आ जाएगा वी साइन वी माइनस क्या आ गया कॉस वी, ठीक है, यहाँ पे ये टर्म बच गया वी साइन वी कॉस वी, और इधर अपन ब्रैकेट में देखो तो ब्रैकेट में बच गया वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। तो ये अपने पास बच गया है फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, फाइनल जो इसको अपन सिंप्लीफाई करके देखिए तो ये अपने पास सिंप्लीफाई करके ये आ गया, ठीक है। अब अपन इसको क्या सॉल्व करें, इसको अपन सॉल्व करेंगे, लेट से इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको अपन सॉल्व करें, इसको अपन सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको अपन क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें फिर देखते हैं कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वी कॉस वी और यहाँ पे आ जाएगा प्लस वी स्क्वायर साइन वी, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी, और राइट हैंड साइड में अगर अपन देखें तो राइट हैंड साइड में अपन इस वी से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर साइन वी और माइनस वी कॉस वी, ये क्या आ जाएगा वी स्क्वायर साइन वी और माइनस वी कॉस वी, और इससे अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा प्लस का एक्स वी साइन वी, क्या आ जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या आ जाएगा अगर इससे अपन मल्टीप्लाई करिए वी एक्स वी साइन वी डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस वी और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये अपने पास टर्म्स आ गई, फाइनल अपन मल्टीप्लाई कर दिए लेफ्ट, अब अपन देखें तो कुछ टर्म्स क्या टर्म्स कैंसिल हो रहे थे, वी स्क्वायर साइन वी कैंसिल हो जाएगा, ये वी स्क्वायर साइन वी कैंसिल हो जाएगा, और अपन टर्म्स देखो तो क्या आ जाएगा, अपन माइनस एक्स वी कॉस वी को इस साइड लेके आ जाए तो ये आ जाएगा टू वी, क्या आ जाएगा टू वी कॉस वी, टू वी कॉस वी इजकल्स टू अपन लेफ्ट हैंड साइड में इस साइड देखे तो इस साइड अपना टर्म्स क्या बचेगा, इस साइड टर्म्स बचेगा एक्स वी साइन वी और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का एक्स कॉस वी और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब अपन देखे तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, अब अपन यहाँ से देखें तो ये बेसिकली क्या लिखा है, इसको अपन रीअरेंज करें फर्दर, अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट से मैं एक्स कॉस वी से डिवाइड कर दूँ बोथ साइड तो ये आ जाएगा टू वी कॉस वी अपॉन यहाँ पे एक्स कॉस वी इजकल्स टू यहाँ पे एक्स कॉस वी से अगर डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा एक्स वी क्या आ जाएगा साइन वी अपॉन एक्स कॉस वी और ये डी वी बाय डी एक्स माइनस यहाँ पे एक्स कॉस वी अपॉन एक्स कॉस वी डी वी बाई डी एक्स। अब अपन देखें ये जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो रही है उसे सिंप्लीफाई करते हैं, लेट तो यहाँ से एक्स कॉस वी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉस वी से कॉस वी कैंसिल हो जाएगा, तो जो टर्म्स बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा टू वी अपॉन एक्स इजिकल्स टू यहाँ पे अपन देखें तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा, ये बचेगा वी टेन वी, ये क्या बचेगा वी टेन वी और ये आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स और यहाँ पे देखें तो ये पूरा टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस
डी वी बाई डी एक्स। अब अपन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डी वी बाई डी एक्स क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं डी वी बाई डी एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे अपना टर्म्स आ गया टू वी बाई एक्स इजकल्स टू, यहाँ पे डी वी बाई डी वन डी वी कॉमन ले लूँ तो यह आ जाएगा वी टेन वी माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स। तो अब अपन देखें तो यहाँ पे अपन ने वेरिएबल सेपरेट कर दिया, तो वेरिएबल क्या हो गया सेपरेट हो गया, ये क्या आ गया, इसको अपन इस साइड लेके आ जाए तो डी एक्स बाई एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा वी टेन वी माइनस वन अपॉन टू वी, ये आ जाएगा और इसके अपने को क्या करना है इंटू डी वी। अपन क्या करें, अब ये वेरिएबल सेपरेट हो गया, ठीक है। अब अपन वेरिएबल सेपरेट कर दिया, अब अपन क्या करें इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर दे, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट हो गया तो इसका अपन इंटीग्रेशन कर दे। तो अब अपन इसको इंटीग्रेशन करें तो इस साइड तो डी एक्स बाई एक्स है तो ये सिंपली क्या आ जाएगा एल एन एक्स, ये डी एक्स बाई एक्स है तो ये सिंपली क्या आ जाएगा एल एन एक्स इजकल्स टू। यहाँ पर अपन क्या करें इसको दो तरीके से सॉल्व करें, इसको अपन करते हैं वी टेन बी अपॉन टू बी माइनस इसको क्या करते हैं वन अपॉन टू वी इंटू डी वी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो वी से भी कैंसिल आ जाएगा तो ये वैल्यू बचेगा फाइनली, वी से भी कैंसिल हो जाएगा और हाफ अपन बाहर ले ले तो हाफ बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन वी डी वी। और इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये यहाँ पे भी अपन माइनस वन बाई टू कॉमन ले लें, वन हाफ बाहर ले लें क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो ये बचेगा डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन, ठीक है ये आ जाएगा। अब अपने को पता है दोनों का अलग अलग अपने को वैल्यू पता है, ये क्या सॉल्व हो क्या रहा है एल एन एक्स की वैल्यू, यहाँ से एल एन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी वन अपॉइंट टू और टेन वी डी एक्स का इंटीग्रेशन अपने को पता है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगा दे तो ये आ गया एल एन एक्स इज टू हाफ और टेन वी डी वी का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस माइनस साइन के साथ एल एन क्या आता है एल एन कॉस वी, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाता है माइनस एल एन कॉस वी और ये तो सिंपली क्या है माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू और डी वी बाई डी क्या है एल एन वी। अब वी को अपन क्या लिख सकते हैं वाई बाई एक्स, वापिस अपन वी को वाई बाई एक्स रिप्लेस कर दे तो अगर टू देखिए तो ये क्या है टू इस साइड कर देते अपन टू एल एन एक्स आ जाएगा, ठीक है। टू क्या है एलसीएम लेके अपन टू को इस साइड भेज दिए तो ये आ जाएगा टू एल एन एक्स इजकल्स टू माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड कर दे सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये आ जाएगा माइनस एल एन कॉस वी और ये आ जाएगा माइनस एल एन वी और ये आ जाएगा प्लस का सी, ये अपने पास इक्वेशन आ गया। और वी को अपन किससे रिप्लेस करते हैं वाई बाई एक्स से, ये फाइनली आ जाएगा टू एल एन एक्स इजकल्स टू माइनस एल एन कॉस ऑफ वाई बाई एक्स, वी को अपन वाई बाई एक्स माइनस एल एन वाई बाय एक्स और प्लस का सी। तो ये आ गया अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन का उसका सॉल्यूशन, ठीक है।